हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। खोपड़ी कौन आंखों में मेरे है आया उतर मौत का था मुवारंट तू इस तक्कर है अबे साले यहाँ आ गया कौन है अबे साले यहाँ आ गया क्या ये रिश्ते में लगती तुम्हारी बहन जो बचाने कोई जात यहाँ आ गया जा चला जा इसी में भराई की तमन्ना अब हमारे भरोसी की तमन्ना और अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना इस बाजुए का तेल है तेरे जैसे लाख दुश्मन और कुछ नहीं कर पाएंगे और जैसे आया और तू यहाँ फौरन ही मारा जाए ए छोकरे तैयार हो जा बे पहले ये बता तू कौन है और ये तेरी कौन है चुप रहो जब तलक हम इससे बात करते जब तलक कोई इंसान बोलेगा नहीं ना और अर्जुन और ये मेरी बहन रमा है ओ। कान खोल कर सुन ले कमीने तेरा वरना मैं तेरा गला धड़ से अलग कर दूंगा एक बात है भैया प्रताप भैया हम पिक्चर में देखे रहन करण का और अर्जुन का वही करण अर्जुन एक पैदा भवा का नाम बता रहा भैया अर्जुन नाम है अर्जुन पैदा होगा ठाकुर गए काम से सुनो हमारी बात ए अर्जुन सामने आओ काम भैया जय लेटरिंग है जय जा सकते हो इकल लियो आप बन बंदूक कैसे कि हमरे लगे हुआ लेटरिंग करे जब को लेके चला जाए तो क्या कर भाई अर्जुन हम जा रहे हैं लाइटरिंग करे भैया बोल अर्जुन ये तुम्हारी बहन है हाँ ये मेरी बहन है तू बहुत गलत समय पर आ गया अरे हराम खोर अगर तू 5 मिनट लेट आता तो हमारा काम भी हो जाता और अपनी बहन को लेकर चला हराम जादे तैयार हो जा देखते हैं किसकी बाजू में कितना ताकत है अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब तुम हमारी ताकत को आजमाना चाहते हो मैं ये तो क्या देखते हो उठाओ शमशीर और करो प्रताप सिंह से मुकाबला मोर बाट पर एक साथी आई तुम्हारे साथ ले जाई किधर गया हरामखोर
झंडा कैसे गवा था? किधर गया? चल देखते हैं। चलो हराम जादे को भाग कर नहीं जाने पाए। भैया भैया भागे के पीछा नहीं किन जात यार जात। मैं जब तक ये शमशीर उसके कलेजे के पार नहीं कर दूंगा तब तक मेरे इस दिल को सुकून नहीं आएगा। भैया उका वीर नहीं कहा जाए जे पीठ दिखा दिए। अरे उका जा दिए यार मर्द होते सामना करते। रंदमा जी भैया ये बता तू यहाँ क्या करने आई थी? भैया मैं खेतों पर काम करने के लिए आई थी। खेतों में काम करने आई थी? हाँ। अकेली? जी भैया। और वो झंडू कहाँ चला गया? वो कहीं चला गया था साथ में नहीं आया मेरे। क्या कहा झंडू नहीं आया? नहीं भैया झंडू तो मैंने तभी देखा ही था कहीं। झंडू वो यहाँ नहीं है भैया। झंडू यहाँ नहीं है? नहीं तभी तो मैं अकेली आई थी यहाँ। बहन रमा अकेली खेतों में काम करने अब नहीं आना। जी भैया ऐसी गलती कभी नहीं करना बहन। चलो। नहीं करूंगी। चलो ये तिनके मेहंदरा भाई ही देख लियो। अब जाए थे बड़के भैया से बताओ। क्या कहा है? क्या कहा? अब बड़के भैया से बताओ बन यार सौहा तुम्हारे सामने बहनी की इज्जत लूटर रहा को हमारी बहनी हमारी बहनी को आंखें दिखा दे आंखें निकाल ले। अरे चुप देख है? किसी से ये बात नहीं कहना नहीं तो अपनी ही इज्जत जाएगी। या तो बात और अगर भैया करण से ये बात तुमने बता दी तो उन्हें जानते हो वो कितने क्रोधी हैं। अरे वो तो पहाड़ मुड़े पुठो वो भी ठाकुर के घर पहुंच जाएंगे उसे घसीटते हुए लाएंगे। अरे भैया सही कहो आप अपन इज्जत अपने हाथे है अपने जबान पर ताला लगा लेना और ये बात किसी से कहना नहीं। हाँ तुम बनिया टाइप के मन नहीं हो। चलो खुरमा आज तुम अपने भाई के बदले में बच गई हो और तुम्हें पाने के लिए मैं जमीन और आसमान कर दूंगा। जब तलक तुझे अपने सीने से नहीं लगाऊंगा जब तलक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आराम बाबा काम होएगा? बेवकूफ कहीं का काम होने वाला था लेकिन उसका भाई आ गया तो ठीक है। बना बनाया काम उसके भाई ने बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया। हम उस दिल का इंतजार करेंगे जिस दिन रमा फिर हमारे सामने आएगी। ले अपन बंदूक ले। आओ हमारे साथ। पैदल चलियोगा? तो कैसे चलेगा रे? किससे चलेगा? हम सोचे थे कि चलो चली बोलेरो चली। कहाँ जाएगा बोलेरो से? घूमे दिल्ली। चलो देखी चले। हाँ गंगा का एक्सीडेंट में क्या हुआ था? सही कहता है बहुत दिनों से मेरा भी जी चाहता था कि गंगे कैसेट वालों के यहाँ जाऊं। नहीं एक बात है हम जौन कहे तो बात हमारी मानो। कौन सी बात? गंगा कैसेट में चलो देखी कौन आदमी ठीक है कौन नहीं ठीक है। सही कहता है जौन ना ठीक हुए उनका राह दियो जौन ठीक हुए उनका पेल पार। जो ठीक हो उनको रहने दो और जो नहीं ठीक है उन्हें बाहर निकाल दो। भिशुं, भिशुं। क्यों? हाँ। आओ चलते हैं। चलो तब तक मनोरंजन हो जाए। अरे लागे मा गवा या साड़ भर गया ना दिया नार। लागे मघवा या साड़ भर गया न दिया ना कहे मन में विचार ननद के बीराना ननद के बीराना हो ननद के बीराना कहे मन में विचार ननद के बीराना।
देवा रिम झिम रिम झिम बरसे गोरी सीना तान के गरजे गवा रिम झिम रिम झिम्बर से गोरी सीना तान के गरजे कहे लोग विचार बस यही कजियारा कहे लोग विचार बस यही कजियारा झंडू। हाँ मालिक। ऐसा लगता है कि अब की तुम लोगों ने खेतों में बड़ी मेहनत से काम किया है। मालिक खून पसीना यक्का मिला बेशक सत्य है। और एक बात बता झंडुआ, ये जो जगह जगह लाइट की व्यवस्था करा दी है, हाँ? इसका मतलब क्या हुआ? अभी लाइट का मतलब नहीं समझो मालिक। हम कहा मालिक तीन चार राणे लगा दे ताकि बड़ी दूर तक दिखाई पड़े। मतलब अगर कोई जानवर आए, हाँ, तो भग जाए। भग जाए यही हाँ? हाँ, मालिक ना भाग होशियार ना भाग लंबरदार तो कम से कम देख ले तू जेरे में लुहाई दे। वो देख वो कौन आ रहा है? मालिक आपके वही तो है दीना मुखिया। हाँ मुखिया दादा इसी तरफ आ रहा है। मुखिया दादा ये कहती आपको हमका लागत न्योता आवा है। आने दो हम इंतजार कर न्योता आवा है। हाँ एक बात बता, जो हमने कहा था उस रोज उस लड़कों को समझाने के लिए, हाँ, उसे समझाया था नहीं? समझा दी ना रहा, नीक नीक समझा ना, लेकिन माना नहीं होगा? नहीं वो साहब तो हमसे कहीं ठीक है कोई बात नहीं ना अदनी बात। तो क्या काम पर गया था? नहीं एक करोड़ नहीं काम पे तो नहीं एक करोड़ नहीं आलम कहीं स्कूल पढ़ के काम पे कर उतनी देर तो हम चले आए ना। मतलब उसके बाजुओं में बहुत ताकत है। आने दो दीना मुखिया को हम इंतजार कर। हाँ बैठो बैठो मालिक बैठो पकड़ो भैया। और इस हालत में खेत पर ठाकुर साहब आप? हाँ दीना, क्योंकि हमने सुना है तुम प्रजा से राजा बनने वाले हो। ऐसी बात कोई नहीं है ठाकुर साहब। हाय कदाचित ऐसी बात नहीं है तो तेरे बेटे काम पर क्यों आने से इनकार कर दिए? यह तुझे नहीं मालूम है कि जो ठाकुर धर्मपाल के खेत पर काम करता है खाना सिर्फ उसी को मिलता है, उसके बाद भी तूने गुस्ताखी की क्यों? ठाकुर साहब कहीं पैर की जूती सर की टोपी नहीं बन सकती? बन सकती है दीना अगर दिमाग इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन ऐसी बात नहीं, अभी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं। बुला अपने बेटों को, मैं भी तो देखूं कैसे हैं वो। जाओ मेरे बेटे करण को बुला करके लाओ, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। ठाट बाट या खेते में काम करे वाली? बाबूजी यहाँ मुझे खेतों में बुलाए और क्या देख रहा हूँ कि जमींदार साहब ही बैठे हुए हैं। ठीक है मैं चलकर जमींदार साहब से बात करता हूँ। राम राम ठाकुर साहब। तेरा जोड़ीदार कहाँ है? मतलब समझ गया ठाकुर साहब से या तो किसी ने पंगा लिया है या फिर किसी ने धमकी दिया है। अरे ठाकुर साहब अगर किसी ने आपसे पंगा लिया तो मुझसे बताइए। अरे दो चार को अकेला करण ही पहले उसे यहां बुला। जमींदार साहब चिल्लाते बहुत हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं हार्ट का मरीज हो। चल करण ठीक है। जमींदार साहब ये बात है तो मैं अभी अर्जुन को बुलाता हूं, यहीं से आवाज दूं। बुला समझदार बैठो। अर्जुन खेतों में आओ।
ठीक है भैया। हाँ 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 ठीक है। अरे तुम्हारी बहन तो हमारी बहन। लो हमारे भैया करण से बात करें आप। कौन है? अरे किसी का फोन है, लीजिए बात तो कीजिए। हाँ बोल। कौन? हाँ मैं करण बोल रहा हूँ यार। क्या हुआ? अबे हाथ में चूड़ी पहन रखा था क्या? अबे तेरी बहन को छेड़ा और तू कुछ नहीं कर पाया। चार थे। अरे यार करण की एक बहन रमा है, अगर किसी ने मेरी बहन की तरफ आंख उठा कर देख भी ले तो उसकी आंखें निकाल कर रोड पे फेंक दूं, बच्चे गोटिया खेले और तू अपनी बहन। अच्छा चल कोई नहीं यार, जैसे तेरी बहन वैसे मेरी बहन, तू मेरा दोस्त है। अगर तेरी बहन को छेड़ा है तो कल चौराहे में मारूंगा। आ ये करण का वादा है। चल रख, इमरजेंसी बातें हो रही है। अर्जुन जी भैया ला फोन काट लाइए भैया। अबे इधर से चाप कर बट। एक से बढ़ के एक, विकेट लंबा है। फोन काट, फोन काट। फोन तो मैंने काट दिया भैया। यार समझा कर, ठाकुर साहब हार्ट का मरीज है। क्या कहा ठाकुर? हार्ट का मरीज। अगर कहीं मर गया तो आपने गले पड़ जाएगा। फोन काट। ओ भैया ने काट दिया। नंबरदार हाथ बोला कहियो। इधर आ अर्जुन। हाँ ठाकुर साहब अब बताइए आप। एक बात बता कर, मैंने सुना तेरे बाजू में बहुत ताकत है। कोई शक कभी भी आजमा सकते हैं ठाकुर साहब। कदाचित तेरे बाजू में इतनी ताकत है तो मेरे इन खेतों पर, देख रहे हैं ना? देख रहा हूँ ठाकुर साहब। इन खेतों पर काम करने क्यों नहीं आते? कैसी बात कर रहे हैं आप ठाकुर साहब? अरे क्या पढ़ाई हम इसीलिए करते हैं कि पढ़ लिख कर आपके खेतों में काम करूंगा, गन्ने की गुड़ाई करूंगा? अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, अरे हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए कि अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे जिससे बाबूजी का। करण धर्मपाल के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब अगर आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं है तो करण की जुबा को हाँ कहने की आदत तो इनकार है। ठाकुर साहब बाप के सीने पे बंदूक रख के ये आपकी मर्दानगी नहीं है। ओ हरामजादे, जो ठाकुर धर्मपाल के खेत पर काम नहीं करता वो दुनिया में जीवित नहीं रहता। मार दो ठाकुर मुझे। बाबूजी, बाबूजी, रमा बहन, मुझे बंदूक दे बहन, मुझे बंदूक दे बहन। अरे रमा, इसे कहते हैं वफादार कुत्ता। नहीं, कसम है अपनी जमींदारी की, बाप को कुत्ता बचा है। इस शहरी गढ़वाल में रहना है तो ठाकुर धर्मपाल के खेत पर काम करना है, वरना साले सर्वनाश कर दूंगा तेरा। ठाकुर
जिसे पालतू कुत्ता कह रहा है, आज उसी के वजह से तू जिंदा बचा है। काश अगर वो बंदूक मेरे हाथों में होती तो तू जिंदा नहीं बचता। मार मुझे रमा, रमा इसके पैर मत पड़ बहन। एक बात याद रखना कि कदाचित इस शहरी गढ़वाल में रहना है। चले जब समझो देना इसे, समझा? अगर इस शहरी गढ़वाल में रहना है तो ठाकुर धर्मपाल के खेत पर काम करना है, वरना चला जाना साला टहरी गढ़वाल छोड़कर, नहीं जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा, समझा? मैं जा रहा हूँ मालिक। हम क्या करें? रोक ठाकुर, रोक सुनता जा जाने से पहले। जिंदगी में पहली और आखिरी भूल कर रहा तू, क्योंकि तुझे मालूम नहीं कि तू कभी शेर और सांप को जख्मी करके नहीं छोड़ा करते। मार डाल मुझे, ऐसा ना हो कि मैं तेरी मौत का कारण बन जाऊं। मार दे मुझे। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले पिल्ले का पिल्ला, बाप को पिल्ला, तू साला साल तेरी। मार मुझे, समझा देना साले बुड्ढे, इसे समझा देना, समझ रहा है? कल का सूरज अगर देखना है इस टहरी गढ़वाल में तो ठाकुर धर्मपाल के खेत पर, वरना चला जाना साला टहरी गढ़वाल छोड़ के, नहीं तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? सुकून हो गई आपकी छाती ठंडी। अरे आप कैसे बाप हैं, कैसे बाप है कि आपको आपने बच्चों की एक आह नहीं सुनाई दी? क्या इसीलिए जब मां मर गई तो दूध पिलाए और आपने ये जीवन दिया? अरे उसी समय जहर क्यों नहीं दे दिया बाबू? सुना आपने, जमींदार ने कहा पालतू कुत्ता है, आपको कुत्ता कहा, हम दोनों भाई को कुत्तों का पिल्ला कहा। अरे आप ठाकुर की गुलामी में इतना दब गए, क्या आपको आपने बच्चों की एक चीख नहीं सुनाई थी? बाबूजी, सुना आपने, ठाकुर ने कहा कि कल का सूरज देखना है तो इन खेतों में, वरना चले जाना टेढ़ी गढ़वाल छोड़कर। कसम मैं अपने स्वर्गीय माँ की खा के कहता हूँ, डेरी गढ़वाल छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं भैया, लेकिन ठाकुर की खेतों में ठाकुर की गुलामी नहीं करूंगा। और हाँ, उस दिन आऊंगा जिस दिन ठाकुर की नजर में नजर मिलाकर उससे बात करने के लायक बन जाऊं, उसके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल बन जाऊं। काश इस लायक नहीं बना तो खुद को मिटा दूंगा, लेकिन टहरी गढ़वाल वापस नहीं आऊंगा। नहीं भैया, ये कैसी सौगंध आपने खा ली? हम लोग किसके सहारे रहेंगे भैया? नहीं अर्जुन, आप हम सबको छोड़कर चले जाएंगे कह रहे हैं? बेटा करण, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ठाकुर साहब तुम्हें जान से मार देते।
नहीं बाबू जी, बेटा वो कोई भगवान नहीं है, जो वो जिसे चाहे मिटा दे। नहीं बाबू, वो भी एक इंसान है, आप उसकी गुलामी में दब चुके हैं, सब कुछ भूल गए हैं। अरे वो माँ बाप कौन है जो अपने बच्चों की एक आह पर तड़प उठते हैं, लेकिन आज आपने वो भी सब कुछ भूल कर सिर्फ याद रखा तो ठाकुर की गुलामी। बाबू जी मुझे क्षमा कर देना, मैं टेढ़ी गढ़वाल में नहीं रहूंगा, मुझे क्षमा कर देना। अगर करण खुददार है तो खुददार ही सही, और आपको आपकी गुलामी मुबारक हो। नहीं भैया, एक बार जरा मेरी तरफ देख लो, बहन रमा की तरफ देख लो, जिसकी शादी करने के लिए आप धूमधाम से कह रहे थे कि बाबूजी के सर का बोझ हम अपने ऊपर ले लेंगे। बाबूजी की तबीयत नहीं अच्छी रहती भैया, आप छोड़कर चले जाएंगे तो बाबूजी नहीं नहीं अर्जुन नहीं, आपके सिवा हमारा कौन है, मैं किसके सहारे रहूंगा। ना मुन्ना ना, अर्जुन जिस गांव में जिस बच्चा जन्म लेता है तो वो नहीं चाहता कि उससे उसका गांव छूटे, गांव की वस्तुएं गांव के लोग और भाई बहन बाप बहुत प्यार होता सब भैया। लेकिन साथ अर्जुन ये मेरी किस्मत में नहीं है, नहीं है रे। लेकिन तेरा बड़ा भाई होकर तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ अर्जुन, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे वचन दे। मैंने वादा किया कि बहन की शादी करूंगा, आपने इन हाथों से उसे डोली में बिठाऊंगा। अर्जुन पहले सब कुछ मेरे नसीब में नहीं है। नहीं भैया ऐसा मत कहो। अर्जुन वादा कर कि जो सपना देखा वो साकार मैं नहीं कर पाया, और तू वचन दे कि बहन की शादी करेगा भैया, और जिस वक्त उसे डोली में बिठाएगा तो सिर्फ अर्जुन बनकर नहीं, करण और अर्जुन दो भाइयों का प्यार देना रे। अर्जुन किसी ने सत्य कहा है, वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं, सजा उनको मिलती है जो बेगुनाह होते हैं। रमा मुझे माफ कर देना, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। भैया एक नजर बाबू की तरफ देख लो, कैसे के रो रहे हैं बाबू। बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी।